आशो चत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी धीरे धीरे छाओ में रंग बन के धीरे धीरे छाओ में रंग अमन कौन सी क्लास में तीसरी तीसरी में कैसा लग रहा है गाड़ी बैठ के अच्छी है अच्छी है अच्छी है अपने आप चला लो भाई चला के दिखाओ धीरे धीरे छाओ में रंग बन के धीरे धीरे छाओं में रंग बनके उड़ी उड़ी जाऊं मैं पतंग आओ आ जाओ इसी साहब आपके साथ मैम आप भी आओ चलो चलो सीधा देखो सीधा देखो शुभकामनाएं और सबके लिए मेरा सिर्फ इतना ही है कि ये जो है ना ये ईश्वर की देन है बच्चों को कभी भी हीन भावना महसूस नहीं होना और सबको ये बच्चों को एहसास होना चाहिए कि ये सब कर सकते हैं ठीक है ना कुदरत ने इनको एक चैलेंज दिया ये चैलेंज फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं और ये चैलेंज से निपट सकते हैं आराम से ये भावना इसमें भरनी है हर बच्चे में कारमान चांद छूने कारमान है ये ठीक है बेटा जिसे आपने पहना हुआ अभी ये ठीक है इससे हाँ इससे चलने में आसानी है चांद छूने कारमान अब सही है चलने में आसानी हो रही है ये मिली है इसको व्हील चेयर कैसा लग रहा है ठीक है कैसा लग रहा है आपको बेटा आपको यहाँ से आज जो एड्स मिले हैं इसका क्या यूज है आपके लिए क्या बेनिफिट है इसमें बताओ ताकि आपको सुनाई दे बोलो वेरी गुड तो और अच्छे से सुनाई देगा ना इससे तो अच्छा लग रहा है क्या मिला दिखाओ तो सही एक बार खोल के दिखाओ खोल के दिखाओ खोलो हाँ इसमें क्या अच्छा ये भी मिला साथ में दिखाओ दिखाओ मैम को दिखाओ जैसा कि आज हम आए हैं यहाँ पर एलोरा के स्कूल में और सभी बच्चों को यहाँ पर बहुत सारे एड्स और प्राइजेस मिले हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली इसको चलने में बहुत दिक्कत होती थी तो इसको शूज मिले हैं और झोंके
ख्वाबों की उड़ाने आंखों में चुटकी में उजाले बांधे खुशबू के ठिकाने बाहों में पर लगे उन सपनों के कदमों तले। चले मैं सारी लग रही है वेरी गुड और साथ में किट भी मिली है क्रिकेट इनके लिए काफ़ी मोटर स्किल के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा इसके अंदर बच्चे के अंदर बहुत खुश हैं पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं बल्कि ये तो बहुत दूर से आए आज सीधा गांव से सीधा आज ट्रेन पकड़ के आएंगे बच्चे के लिए अच्छा लग रहा है आपको चलो थैंक यू। तो मैम जैसे कि आपको ये एड्स मिले हैं बच्चे को और ये तो इससे क्या फ़ायदा है बच्चे को बताएं जैसे कहीं बाहर जाना वाना पड़े तो इस पर आराम से जा सकता है जी और इससे कोशिश करेगा चलने की कि आप भी अपने आप भी चल सके तो आने वाले टाइम में इसको काफ़ी इसको फ़ायदा मिलेगा हाँ जी क्योंकि बाहर से अगर आप लेने जाते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ काफ़ी एक्सपेंसिव होता है हाँ जी मैम इसके अलावा ना देखो ये बच्चे का है बच्चे को बहुत दिक्कत चल रही है घूमने में उठने बैठने में काफ़ी होती है तो इसको बेनिफिट होगा और ये मैम दूसरा बच्चा है इसको मैम सेम इसके भी पैर में ही दिक्कत है हाँ जी मैम ये भी यहीं से मिला है इस बच्चे को तालीम को क्या है और असेसमेंट कैंप में ये बच्चों को लेकर आए स्पेशल एजुकेशन टीचर काफी मेहनत करते हैं ये बच्चों के साथ इन्होंने हमें जागरूक किया पेरेंट्स को जागरूक किया मैम इन्हीं के से काफी मेहनत की सर ने सही है तो बिल्कुल बात सही है कि हमारे हायर अथॉरिटीज में जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं उनकी वजह से इन बच्चों को काफी चीजें प्रोवाइड की जाती है मेंटली फिजिकली हर तरह का सपोर्ट हमें डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिलता है और हम इसके लिए काफी धन्यवाद देते हैं सरकार का बेटा आपका क्या नाम है राज है तो आज आप यहाँ किस लिए आए और आपको क्या मिला है हमको चल सके और इससे हमको दौड़ भी सकते हैं दौड़ भी सकते हैं यस और इससे हम चलना भी सीख सकते हैं तो अच्छा लग रहा है यस थोड़ा सा बताना चाहिए सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फायदा जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इतनी हेल्प मिलती है इतना ज़्यादा अब ये देखिए जैसे बच्चे को व्हील चेयर मिल गई जी और मतलब हर टाइम पे थोड़े थोड़े टाइम पे हमें गाइड किया जाता है स्कूल में भी देखिए एजुकेशन में इतना अच्छा है बच्चों को इतनी चीज़ें सिखाई जाती हैं टीचर्स हमें गाइड करते हैं ये देखिए मैं तो थैंक्स बोलूँगा गवर्नमेंट का एक मतलब चीज़ों में काफ़ी चीज़ों में हमें फ़ायदा है धन्यवाद मुट्ठी में हवा के झोंके हैं ख्वाबों की उड़ाने आँखों में।